हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजीन में पॉपुलर रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जब भी हम कोई पॉपुलर फूड की बात करते हैं या फिर कोई स्ट्रीट फूड जो बहुत ही फेमस है, तो वह है पाव भाजी। पाव भाजी में मेन जो है वह उसकी टैंगीनेस और उसमें जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं बहुत ही बढ़िया है। और आप पाव भाजी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन या हाउस प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। पाव भाजी का मसाला हमने पहले भी शेयर किया है, तो उसकी मदद से आप पाव भाजी घर पर ही बना सकते हैं। तो यह एक आइकॉनिक डिश है, वंडरफुल फ्लेवर्स है उसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली है, जिसमें है दो आलू लिए हैं, एक छोटा सा बीटरूट है, 250 ग्राम जितना कॉलीफ्लावर, दो छोटे से गाजर लिए हैं और 250 ग्राम जितनी कैबेज, पत्ता गोभी है, आधा कप जितने छिले हुए मटर लिए हैं। सबको कुकर में ले लेंगे। आधा चम्मच जितना नमक मिलाएंगे, 3 कप जितना पानी, कुकर को ढककर लो फ्लेम पर इसकी 4 विसल बजानी है और बाद में इसे ठंडा कर लेना है। आधा घंटा हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। सब्जियां जो है वह अच्छे से बॉईल हो गई है। अब आलू का जो मैशर रहता है, पोटैटो मैशर, उससे हम इसको मैश कर देंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। पाव भाजी को बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए एक बाउल में हम लेंगे आधा चम्मच जितनी हींग, उसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना पानी, मिक्स करेंगे और इसे एक साइड रख देंगे। अगर हींग आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप 1/4 चम्मच जितनी ही इस्तेमाल कीजिएगा। 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे। लो फ्लेम रखेंगे, आधा चम्मच जितना पाव भाजी मसाला डालेंगे, आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। चार टमाटर को बारीक काट लिया था वह डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई चम्मच जितना नमक मिलाएंगे। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। तीन से चार मिनट हो चुकी है। वह पोटैटो मैशर की मदद से इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। यहाँ पर एक शिमला मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मिक्स करके इसे सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है। दो मिनट के बाद देखेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, आधा चम्मच जितना गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना पाव भाजी मसाला, 1 टेबलस्पून जितना बटर। सब कुछ धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और इस मसाला और टमाटर और शिमला मिर्च को भी बटर में ही अच्छे से हमें भूनना है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पाव भाजी मसाला की रेसिपी हमने पहले भी शेयर की है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
After 2 minutes, you can see its texture. सब्जियां हमने जो मैश करके रखी थी वह डालेंगे और हींग का जो पानी बनाया था वह भी मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे भक्तों की डिमांड थी कि पाव भाजी शेयर की जाए, तो इसी तरह से अगर आपको और भी कोई रेसिपी सीखने की इच्छा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। पाँच मिनट हो गई है, एक बार मिक्स कर लेंगे। एक टेबलस्पून जितना बटर लेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ पर आप पाव भाजी का कलर देख सकते हैं, हमने बिल्कुल भी इसमें कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनकर तैयार है। स्टोव को बंद कर देंगे। पाव भाजी को हम इस घर पर ही बनाए हुए पाव के साथ सर्व करेंगे। हमारी और एक चैनल है इंग्लिश में कृष्णास क्यूजिन, जो पहले स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मैंने शेयर किया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पाव को टोस्ट करने के लिए 1 चम्मच जितना बटर तवा पर गरम करेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़े से हरा धनिया, लो फ्लेम पर इसे मिक्स कर लेंगे। अब पाव ले लेंगे, पाव को दोनों ही साइड से अच्छे से टोस्ट कर लेना है। पाव बनकर तैयार है, प्लेट में ले लेंगे। पाव भाजी बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा बटर रखा है और सैलेड के साथ सर्व किया है। तुलसी पत्र रखकर श्री श्री गौर निताय को भोग अर्पण करेंगे। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप जिस भी स्थिति में हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप और भगवत प्रसाद चखने में अपनी जीभ का उपयोग करें, यह कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका है। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।